मेरे ससुराल में शिवरात्रि की पूजा से पहले शिव जी के आगे खीर की कटोरी रखकर मन्नत मांगते हैं। हर मन्नत के लिए एक खीर की कटोरी। कहते हैं शिव जी की पुत्री अशोक सुंदरी को जब भी अपने पिता से कुछ मांगना होता था ना, वो उन्हें पहले खीर खिलाती थी और प्रसन्न करती थी। मैंने हमेशा अपने ससुराल में शिव जी को खीर चढ़ाकर मन्नत मांगी है। क्या ये रस्म मैं यहाँ भी कर सकती हूँ? हाँ हाँ, राखी बहन आइए ना। थैंक यू। ये काव्या की सेफ्टी के लिए। मैं दो कटोरी और चढ़ाऊंगी। पूरे दुनिया के हिस्से की मन्नत तू ही मांग लेगी क्या? अपने लिए नहीं मांग रही हूँ बा, अपनों के लिए मांग रही हूँ। मांगने दो ना दीदी, आप मांगिए। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि आपकी सारी मन्नत पूरी हो जाए। ये समधी जी के जॉब के लिए। और ये समधी जी और छोटी समधन के नए घर के लिए। वैसे मुझे मेरे सोर्सेस से पता चला है कि आप दोनों अपने लिए नया आशियाना ढूंढ रहे हैं और आज पूजा के बाद आप दोनों यहां से जाने वाले हैं, राइट मिस्टर शाह? क्या हुआ मिस्टर शाह, आप मुझे एंग्री वाले लुक्स क्यों दे रहे हैं? मैंने कुछ गलत कहा क्या? आई नो आप में इतनी सेल्फ रेस्पेक्ट तो है कि आप खुद भी मिस्टर शाह के घर में नहीं रहना चाहेंगे, राइट? ये घर बा और बापूजी का है, मेरा नहीं। और तू जान मुझ के यहाँ आग लगाने की कोशिश मत कर। अरे मैंने क्या किया बा? आपको तो खुद को पता है ना कि एक बयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। मुझे आप सबकी चिंता है इसलिए मैंने ऐसा कहा। भोलेनाथ की कसम, आई स्वेर ऑन भोलेनाथ, सीरियसली। दुनिया के हर टोमी की पूछना सीधी हो सकती है पर तू सीधी नहीं हो सकती। बाप मुझे गलत समझ रही है। अरे क्या सही और क्या गलत, तू तो समझ में ही नहीं आती। भगवान भी ना तुझे बना के सदमे में पहुंच गया होगा कि हाय हाय ये मैंने क्या बना ली। फाइन, अगर आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है तो ना सही, बट आई वॉज जेन्युइनली कंसर्न्ड बा। यस राइट। प्लीज काव्या, अपना ये एटीट्यूड फूल करके अपने जेब में रखो। मैं अनुपमा नहीं जो बार बार धोखा खाने के बावजूद भी तुम पे भरोसा कर। ये कोई किटी पार्टी नहीं है, यहाँ पूजा चल रही है और जो अपना मुंह बंद नहीं रख सकता वो यहाँ से जा सकता है। Thank you.
यहाँ रहना है तो तमीज में रहना होगा, वरना रहने के लिए कोई और ठिकाना ढूंढ ले। बेटा बाप के सामने तब तक चुप रहता है जब तक वो मन में जानता है कि वो गलत है और बाप सही। अपनी गर्लफ्रेंड के अगेंस्ट एक वर्ड नहीं सुन सकते आप, और न जाने मेरी गर्लफ्रेंड को क्या क्या बोल देते हैं। और आप भी रहने दीजिए। हाँ हाँ, बस मुझे ही समझाओ। इस घर में बाकी कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, किसी को कुछ मत बोलना। ले देखे इस घर में सिर्फ मैं रह गया हूँ समझाने के लिए। समर, मैंने तुझसे कहा नहीं कि प्यार को धीमी आंच पे पकाना चाहिए, नहीं तो जल्दबाजी में वो जल जाएगा।